रोहित शर्मा की कप्तानी पर खतरा। क्या टीम इंडिया में आएगा पांड्या राज? क्या हार्दिक पांड्या को मिलेगी कप्तानी? टीम इंडिया में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जल्द ही टीम इंडिया के लिए वनडे और T20 जैसे लिमिटेड फॉर्मेट में कैप्टेंसी करते दिखाई दे सकते हैं। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में दो बड़े बदलाव होंगे, जहां पर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ के साथ साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटाया जाएगा। लेकिन अब ये खबर काफ़ी ज़्यादा गर्म है कि रोहित शर्मा को ना केवल T20 बल्कि ODI फॉर्मेट से भी बतौर कप्तान हटा दिया जाएगा और उनकी जगह भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को पिछले कई महीनों से T20 में कप्तान बनाने की बात की जा रही थी। आने वाले दिनों में रोहित शर्मा के लिए वैसे भी तीनों ही प्रारूपों की कप्तानी संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। वर्कलोड के चलते उनके फॉर्म पर भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा लगातार अपनी फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, साथ ही साथ वो चोटिल होने के चलते किसी न किसी सीरीज से बाहर होते ही रहते हैं। आपको बता दें कि BCCI के नए अध्यक्ष स्टुअर्ट बिन्नी ने सिलेक्शन कमेटी को पूरी तरह से बर्खास्त करके नए सिलेक्शन कमेटी को लाने का फैसला किया। अब इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि रोहित शर्मा T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं और उन्हें वनडे से भी हटाया जाएगा, लेकिन आने वाली इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज पर इसका फैसला किया जा सकता है। 3 जनवरी से भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हार्दिक पांड्या को इसी सीरीज से बतौर भारतीय कप्तान नियुक्त किया जाएगा। वहीं टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तानी जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है तो ऐसे में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान हटाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला होगा। BCCI के साथ साथ टीम इंडिया का मैनेजमेंट भी यही चाहेगा कि इतने बड़े प्रतियोगिता में रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान को ही टीम इंडिया की कप्तानी करने दिया जाए। जब से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने IPL का खिताब उठाया है, तब से ही हार्दिक पांड्या को T20 में कप्तानी दी जाए इस बात पर चर्चा लगातार की जा रही है। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या भारतीय टीम में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया में एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि आखिरी बार भारत के लिए तेज गेंदबाजी कराने वाला ऑलराउंडर कपिल देव कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 का विश्व कप जीता था, लेकिन अब हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे इस बारे में पुष्टि कब होगी और कैसे टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या चला पाएंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।